नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ कही हुई बातें जब सच हो जाती है ना तो मैं तो सातवें आसमान पे चला जाता हूँ। याद करो, मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक ज़रूर दूंगा अगर मुझे वो वीडियो याद रही कौन सी वीडियो थी काट में, जहाँ पर मैंने बोला था कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा कंपटीशन हो जाएगा जहां पर आपको 20,000 रुपए में भी स्नैपड्रैगन 845 जैसे प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। और वो मेरी बात सच हुई है, और वो बात सच की है शाओमी के सब ब्रांड पोको ने, पोको F1 के रूप में। उसके साथ साथ इन चीज़ों के चलते हुए और भी बहुत सारी कंपनीज आके आ रही है, लाइक ऑनर, एसूस जैसी। और इस बीच एक बहुत ही नई कंपनी जो कि ओप्पो का एक सब ब्रांड था, भी नई है, जो कि थी रियलमी, उसने भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है रियलमी 1 के रूप में। और अब वो अपना नया स्मार्टफोन लेके आ रही है इंडियन मार्केट में, जो कि है रियलमी 2। और हम इसे के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस तो आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होंगे रियलमी 2 की। अगर नहीं पता है तो कुछ नज़र मारिए छोटी सी, कि यहाँ पर जो आपको बदलाव मिलेंगे रियलमी 2 में वो यही है कि डुअल कैमरा मिल जाएगा, 4200 mAh ऑफ बैटरी मिल जाएगी, क्वालकॉम की तरफ से इसमें प्रोसेसर आएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, जो कि एक बड़ी कमी थी। और UI में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। आप सभी लोग जानते हो कि अभी ये जो कंपनी है वो ओप्पो से अलग हो चुकी है और अपना एक ब्रांड जो है वो ये बन चुका है। हालांकि पहले ये ओप्पो का सब ब्रांड था, लेकिन अभी ये खुद की कंपनी है, तो इसमें ज़रूर से ज़रूर UI में चेंजेस होंगे। तो ये कुछ खास बदलाव थे जो आपको रियलमी 2 में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी चर्चा से बात करते हैं कि क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत फितूर है लोगों के दिमाग में कि यार MediaTek के प्रोसेसर ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, जिस वजह से ये रियलमी 1 के लिए एक छोटा सा वो बना था कि कई लोगों ने इस स्मार्टफोन को नहीं परचेज किया था जस्ट बिकॉज उसमें MediaTek मिल रहा। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि Helio P60 प्रोसेसर कितना पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन रियलमी जो कंपनी है उसका बहुत दिमाग है, क्योंकि वो स्टिल उसने पहले स्मार्टफोन में ही मार्केट को हिला के रख दिया था। तो उसको पता है कि यार लोगों के दिमाग में ये फतूर है, तो दैट्स द रीज़न उसने क्वालकॉम के साथ ये कोलैबोरेशन कर लिए, जहाँ पर अब आपको रियलमी 2 में जो है वो MediaTek के बजाय स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलने वाला है। जी हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलने वाला है। अब आप बोलोगे कि यार कौन सा मिलने वाला है, तो मेरे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ पर आपको 20,000 रुपये में पोको F1 845 दे रहा है, तो ये कंपनी कम से कम मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 660 आपको ज़रूर से ज़रूर देने वाली है। फ़ोन में यहाँ पर आपको नॉच भी मिल जाएगी डिस्प्ले के ऊपर, हालांकि कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, मेरे को बहुत पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात जो रियलमी 2 में मुझे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ एक अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी मिल गई है, वो है 4200 mAh। और 4200 mAh मतलब लगभग आप समझ लो कमाल हो जाएगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा और अच्छी खासी बैटरी का जो है वो mAh पावर होगी, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा। घुमा फिरा के ना ये जो स्मार्टफोन है एक बहुत अच्छा पैकेज होगा आप सभी लोगों के लिए। और ये सब छोड़ते हुए जो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे, वो ये है कि यार रियलमी अब जो है वो ओप्पो से अलग हो चुकी है। पहले था कि अगर आपको रियलमी 1 में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो सारा का सारा ओप्पो के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाके वो सॉर्ट आउट होगी, लेकिन अब रियलमी उससे अलग हो चुका है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अब कौन सा सर्विस सेंटर होगा, कहाँ पर हमारे ये स्मार्टफोन ठीक होंगे, ये मुझे भी अभी तक पूरे अच्छी तरीके से पता नहीं चला है। लेकिन सुनने में यही मिल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि जो हर सिटी में जो अच्छी खासी एक मतलब सर्विस दे रहे हैं स्मार्टफोन रिपेयरिंग की, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन चल रही है, जहाँ पर वहाँ पर आपके स्मार्टफोन्स को जो है वो ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इस स्मार्टफोन को खरीदने से सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी होगी कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो रहेगी उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ब्रांड नया है, अगर आप इसको रीसेल करते हो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये दो चीज़ों को हटा के मैं इतनी चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, ये स्मार्टफोन ज़बरदस्त होगा। और प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइस इसमें कितना रहेगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस इस समय कह रहा है कि जिस कंपनी ने आपको 9,000 रुपये में Helio P60 दे दिया, वो कम से कम डुअल कैमरा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, अच्छी बैटरी लाइफ, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ अगर इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगी इस कंपटीशन में, तो कम से कम वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप समझ लीजिए कि
जो उसकी स्टार्टिंग रेंज रहेगी वो 12 से 13,000 रुपये रहेगी। मतलब कि 12 से 13,000 रुपये में आपको इनका कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रियलमी ने हाइप उठाई हुई है तो वो नहीं चाहती कि वो ये हाइप मतलब ठुस हो जाए। तो वो ज़रूर से ज़रूर 28 अगस्त को जब ये स्मार्टफोन लॉन्च करेगी तो ये स्मार्टफोन वाकई में एक बहुत अच्छे प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगा। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश और एक अपना ओपिनियन जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उस ग्रे बटन को ब्लू कर दीजिए और रेड बटन को ग्रे कर दीजिए। मैं मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।